नमस्कार मैं हूं संजय कुमार आंगनबाड़ी सेवका सहायिका आशा का इन सब के लिए एक बहुत बड़ी खबर है मैं आज आपको बता देना चाहता हूं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की चार जून के बाद से जो है वेतन डबल होने जा रहा है मानदेय जो है उन्हें डबल करने जा रहे हैं डबल करने के पीछे का कारण क्या है कौन डबल करने जा रहा है ये भी आपको सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा हम आपको बताना चाहेंगे कि चार जून की जैसे ही सरकार बनती है उसके कल होकर के जो है आंगनबाड़ी सेवका सहायक का आशा जीविका या फिर अन्य महिलाओं को भी भारत में कम से कम एट्टी परसेंट महिलाओं को जो है खाते में साढ़े आठ हजार रुपये जा रहे वही आंगनबाड़ी सेवका सहायक का आशा जीविका कि डबल वेतन हो जाएंगे एक सवाल हम आपको बताना चाहेंगे डबल वेतन की जैसे ही डबल वेतन के जैसे ही अलाउटमेंट हुआ है तो एक सवाल आपके मन में हो सकता है क्या डबल वेतन अगर कर्मचारियों की हो रही है या आंगनबाड़ी सेवका सहायिका आशा जीविका की हो रही है तो यह डबल वेतन का फॉर्मूला किस प्रकार से तय करेंगे हालांकि आपको बता देना चाहते हैं हम कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की जो वेतन है वो अदर राज्य में कुछ और है या बिहार में कुछ और है आसाम में कुछ और है तो झारखंड में कुछ और है उत्तर प्रदेश में कुछ और है और दिल्ली में कुछ और है तो एक जरा सवाल यहां है क्या सारे आंगनबाड़ी सेवका सहायिका की वेतन डबल होगी या डबल होकर एक जैसे वेतन मिलेगा अब एक सवाल है मेरा कि मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी सेवका की जो है वेतन तेरह हजार रुपये है अगर डबल की बात अगर हो रही है तो क्या तेरह दूना छब्बीस हजार रुपये हो जाएगी वहां और बिहार में अगर नीतीश कुमार के दस सौ पचास जोड़ने के बाद अगर सात हजार रुपये वेतन अगर मिलता है तो क्या बिहार में चौदह हजार रुपये वेतन हो जाएगी या दिल्ली में अगर बारह हजार सात सौ बीस रुपये अगर वेतन है तो क्या इसका डबल वेतन हो जाएगा एक सवाल आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी की जो लीडर है राहुल गांधी है वो राहुल गांधी हमेशा अपनी स्टेटमेंट में अभी घोषणा पत्र में या अपनी मोनोफेस्टो में जो है लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेवका सहायिका आशा जीविका इन सब का जो है डबल वेतन करेंगे तो डबल वेतन किस आधार से करेंगे डबल वेतन किस आधार से करेंगे यह भी जानना थोड़ा बेहद जरूरत है अब कोई सवाल अगर उठाने वाला हो कि भैया डबल वेतन किस आधार से करेंगे आप की आंगनबाड़ी सेवका सहायिका की हर राज्य में अलग अलग वेतन है अलग अलग संख्या में वेतन है तो क्या सभी आंगनबाड़ी सेवका की एक जैसे वेतन होगी या अलग अलग वेतन होगी वही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खागरे ने कहा है आंगनबाड़ी सेवका सहायिका आशा जीविका इस सबका जो वेतन है चार जून के बाद हम डबल कर देंगे चार जून के बाद वेतन जो है डबल कर देंगे साथ में ये भी कहा है कि अगर अगर चार जून की सरकार अगर चार जून की अगर सरकार बन जाती है कांग्रेस पार्टी की तो हम आम जनता के लिए डबल राशन भी करेंगे अभी नरेंद्र मोदी अगर पांच के राशन अगर दे रहा है तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि हम दस किलो राशन देंगे दस किलो राशन की सवाल उठ रहा है अब आम जनता के बीच लेकिन आंगनबाड़ी सेवका सहायिका की मनोफेस्टो में क्या बदलाव कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और मैंने आज ही कई सारे सेवका से मैंने बात किया है कई सारे का सहायिका से मैंने बात किया आई विभाग के ऊपर और वो तमाम का सहायिका इस बात की पुष्टि करती है और बताती है कि हम लोगों ने 2024 में इंडिया गठबंधन सरकार को जो है चुनना चाहते हैं और उन्हें लाना चाहते हैं ताकि आंगनबाड़ी का और सहायिका की जो वेतन है वो डबल कर सके मैंने पूछा कि मोदी सरकार या मोदी सरकार की पार्टी लगातार आप लोगों के ऊपर काम कर रही है तो फिर आप लोग इस सरकार को क्यों नहीं पसंद कर पा रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी अगर अपनी मोनोफेस्टो में जिस प्रकार से गारंटी ले रहे हैं तो आप लोग गारंटी वाले के पास क्यों नहीं जाते आंगनबाड़ी सेवका सहायिका ने जबरदस्त तरीके से जो है कहा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी की जितनी प्लान है वो सब जुमलेबाजी होकर के फेल हो गया है अब मोदी सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा हुआ है जो वो गारंटी के तौर पर बात को ला रहे हैं उसकी कौन सी गारंटी है और किस गारंटी की बात कर रही है मैंने पूछा किसकी गारंटी तो कांग्रेस सरकार के पास भी नहीं है या राहुल गांधी ने जो डबल वेतन करने की जो बात कह रही है वो तो डबल वेतन की ऐसी गारंटी कहां है कहा? मल्लिका अर्जुन खगड़े ने कहा कि वेतन डबल करेंगे मलिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि वेतन डबल करेंगे साथ साथ आम जनता की राशन जो है दस किलो करेंगे कांग्रेस सरकार की अध्यक्ष जो है लगातार दस किलो की बात कर रही यहां तक कि मलिका ने कहा यह भी बातें कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि जो मिड डे मील की रसोईया है, जो भोजन बनाती हैं हम उन्हें भी वेतन जो है डबल करने जा रहे हैं अब जरा सोच लीजिए कि सिर्फ इसमें आंगनबाड़ी सिपका सहाय का आशा जीविका या फिर रसोईया मिड डे मील के बनाने वाले कर्मचारी ही नहीं बल्कि लगभग अस्सी परसेंट महिलाओं के बारे में बताया जा रहा है कि साढ़े आठ हज़ार रुपये की हर महीना उन्हें जो है ये व्यवस्था दी जाएगी उसके बाद हम आप